हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब माय ओरिजिनल एडुकेशन चैनल। आज मैं डी स्टूडियो आपके साथ रीजनिंग नंबर कोड विद अल्फ़ाबेट कोड अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि अल्फ़ाबेट कोड एंड नंबर कोड किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, तो मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि नंबर कोड एंड अल्फ़ाबेट कोड किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं एंड पेपर में एग्ज़ाम्स में किस तरह से पॉजिटिव मार्किंग को अटेम्प्ट किया जाता है, ना कि नेगेटिव मार्किंग को। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स के ही होते हैं। अगर इन 1 मार्क्स में भी आप रॉन्ग आंसर टिक करते हो तो आपकी नेगेटिव मार्किंग कट जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ईजी क्वेश्चन में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो किस तरह से, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई करने की। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ अल्फ़ाबेट एंड नंबर आपको दोनों मेंशन किए गए हैं। इफ़ BC इक्वल टू 6 एंड AD इक्वल टू 4, देन हाउ विल यू कोड CRY इक्वल टू। आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको कोड फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स पॉजिटिव मार्किंग अटैम्प्ट करने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना आ पाए। सिंपल क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप यहाँ पर ABCD यहाँ पर अल्फ़ाबेट मेंशन किए गए हैं। आपको पता है कि B सेकेंड नंबर पर आता है एंड जो C है वो 3 नंबर पर आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। क्लियर है, BC इक्वल टू 6। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है AD, यानी कि A 1 नंबर पर आता है एंड D 4 नंबर पर आता है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्लियर है वाला क्वेश्चन। आई जस्ट होप आपको AD भी क्लियर होगा। एंड आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है CRY का कोड, CR एंड Y। आपको पता है C आपका 3rd नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट जिस नंबर पर आते हैं आपको वो नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको पता है कि R आपका 18 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अगर आप काउंट करेंगे तो आपका R 18 नंबर पर आएगा एंड Y आपको पता है कि 25 नंबर पर आता है। टोटल Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं एंड लास्ट अल्फ़ाबेट आपका 26 होते हैं। टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं ये आपको पता है। एंड Y आपका सेकेंड लास्ट होता है, यानी कि 25 होता है। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपको वही रूल यहाँ पर आपको फॉलो करना है जो रूल आपका क्वेश्चन में दिया गया है। BC को मल्टीप्लाई किया गया था, AD को भी मल्टीप्लाई किया गया था, तो आप इनको भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। देन आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर 1350 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। क्लियर है, अगर क्वेश्चन में आपको BC माइनस दिया गया है तो आप CRY में माइनस करेंगे, लेकिन अगर आपको प्लस दिया गया है तो आप प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको BC मल्टीप्लाई दिया गया था एंड AD भी मल्टीप्लाई दिया गया था, तो आप CRY में भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। आपको जो कोड जिस तरह से क्वेश्चंस में मेंशन किया जाता है वही रूल आपको फॉलो करके आंसर फाइंड आउट करना पड़ता है। आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है CAB इक्वल टू सिक्स। यहाँ पर भी आपको मेंशन किया गया है देन HAT इक्वल टू 160, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको CAB। सी आपको पता है 3 नंबर पर आता है एंड 1 नंबर पर आता है, बी आपका 2 नंबर पर आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ये वाला आपको क्लियर हो गया। 6 यहाँ पर राइट मेंशन किया गया है। HAT भी आपको पता है, HAT का भी यहाँ पर, अब HAT आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने CAB से फाइंड आउट कर लिया है। एंड HAT फिर भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर निकाल सकते हैं। H आपको पता है 8 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग एंड 1 नंबर पर A आता है एंड T आपका 20 नंबर पर आता है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर देख सकते हैं 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 160,
ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में 160 भी ठीक है, उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, देन हाउ विल यू कोड एक्स, एक्स का आपको कोड बताना है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग एक्स किस नंबर पर आता है ये आपको बताना है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग एक्स आपका 24 नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, एक्स वाई जेड 24, 25 एंड 26। आई जस्ट होप आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, अल्फ़ाबेट टोटल 26 ही होते हैं, एक्स वाई जेड आपके लास्ट 26 नंबर पर जेड आता है, 25 नंबर पर वाई आता है एंड 24 नंबर पर एक्स आता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन दी गई थी एंड उसके बाद आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपसे एक्स पूछ लिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चंस था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी आनी नहीं चाहिए, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन द गिवन लैंग्वेज सर्वर इज रिटन एज आर ई वी आर ई एस देन बेटर इज रिटन, जिस फॉर्म में यहाँ पर सर्वर का कोड दिया गया है उसी फॉर्म में आपको बेटर का कोड इन तीन ऑप्शंस में से चूज़ करना है, वो किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए सर्वर, यहाँ पर मेंशन कर लीजिए सर्वर एंड उसको कहा गया है आर, मतलब कि सेकंड लास्ट सबसे लास्ट एंड उसके बाद ई, ओके ई एंड उसके बाद कहा गया है आपको वी वी एंड उसके बाद आपको कहा गया है आर आर उसके बाद आपको कहा गया है ई एंड एस, यानी कि आपको पता चल गया ये पूरी सीरीज़ उल्टी चल रही है, जैसे आपको सर्वर दिया गया है वैसे ही आपका फर्स्ट यहाँ आएगा, सेकंड यहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आएगा एंड उसके बाद यहाँ, उल्टा चल रहा है ये पूरा, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से जो रूल यहाँ पर फॉलो किया गया है वही रूल आप नेक्स्ट में फॉलो करेंगे, बेटर है तो आप पहले सबसे लास्ट वाली, उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, फिर उससे पहले वाली, फिर ई एंड उसके बाद बी, ये होगा आपका राइट आंसर, आर ई डबल टी ई बी। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा, तो आप देखकर ही सिर्फ 2 सेकंड्स में आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। आई जस्ट होप आपको क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ एम्प्लॉय इज रिटन एज वाई ओ एम ई एल पी देन, उसके बाद स्क्रीन इज रिटन एज, आपको इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो एम्प्लॉय का रूल मेंशन किया गया होगा वही आप अपने एम्प्लॉय का जो रूल मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है, सबसे लास्ट, ओके तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट लिख दीजिए एन एंड उसके बाद क्या मेंशन किया गया है ओ, सेकंड लास्ट, उसके बाद इसमें भी आप लिख दीजिए सेकंड लास्ट एन ई एंड यहाँ पर आप ऑप्शंस में एन ई देख सकते हैं, दो में है तो आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका है एम एंड उसके बाद ई, यानी कि सेकंड एंड उसके बाद फर्स्ट, एम है फिर उसके बाद ई है, तो यहाँ पर भी आप सेकंड सी कर सकते हैं, ऑप्शंस में सी देख लीजिए, ये रहा, यही पूरा आपका सही आंसर होगा। आपको मैक्सिमम 3 अल्फ़ाबेट्स निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको देखकर ही आइडिया हो जाएगा, फिर भी दो अल्फ़ाबेट्स अगर आपके सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर एन ई सेम था, एन ई सेम था, तो हमें ज़रूरत थी कि सी निकालने की, तो सी ये है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। पूरा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपके सेकेंड्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं आगे, आपको अपने मार्क्स भी सिक्योर करने हैं, टाइम भी सेव करना है, दोनों बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कोड पूरा आप 2 अल्फ़ाबेट्स निकाल कर भी सॉर्ट आउट कर सकते थे एंड इजीली आपको क्वेश्चन अपना
सॉल्व करने में भी आसानी हो जाती, कोई मुश्किल नहीं होती। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपको मेंशन किया गया है। मैंने यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चंस इसलिए अरेंज किए हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एंड किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से या फिर नंबर्स के हिसाब से। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए ताकि मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएँ। यहाँ पर मेंशन किया गया है इफ़ 621 इज़ रिटन एज 162, ये तो आपको सिंपली आपको देखने से ही पता चल जाएगा 621 को 162 लिखा गया है, यानी कि पहले थर्ड वाली डिजिट उसके बाद मिडल वाली मिडल में ही, मिडल वाली भी चेंज की गई है, यहाँ पर मिडल वाली भी चेंज की गई है, 621 है तो 162। ओके, इसी पैटर्न के हिसाब से आपको चलना है। 876 है तो इसी को देखकर आप अपना क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पर देखिए 62621 है तो यहाँ पर है 16 एंड उसके बाद 2, तो यहाँ पर भी आप बना लीजिए 876। तो यहाँ पर आप बनाएंगे 6 एंड उसके बाद यहाँ पर आप बनाएंगे 8 एंड उसके बाद 7। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप आपको क्लियर होगा 621, 162 एंड 687। इसी तरह से ये कोड बनाए जाते हैं, कोई नंबर के कोड्स होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट्स के कोड होते हैं। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज मैंने अपनी इस वीडियो आपके साथ यहाँ पर मेंशन किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अल्फ़ाबेट कोडेड, नंबर कोडेड किस तरह से आपके क्वेश्चंस अरेंज करवाए जाते हैं पेपर में, एग्ज़ाम्स में, एंड किस तरह से आपको सही आंसर पर टिक करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आपको क्लियर होगा, आई जस्ट होप अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप 1 या फिर 2 सेकेंड्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे विदाउट अटैम्प्ट नेगेटिव मार्किंग। ओके, बिना नेगेटिव मार्किंग अटैम्प्ट किए भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 1 या 2 मार्क्स के भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में और ईजी होते हैं, 2 नंबर आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई मुश्किल के। सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि नंबर कोड है, अल्फ़ाबेट कोड है या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं। किस तरह से आप क्वेश्चन में देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आज जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। रीजनिंग से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं जो कि कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।